अस्सलाम वालेकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हमने आपके लिए बनाए हैं ये एकदम से फूले फूले बहुत ही लाइट वेट छोले भटूरे की प्लेट तैयार की है हमने ये आपके लिए बहुत ही इजी करके। तो रेसिपी लास्ट तक जरूर से देखिएगा आप। सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये 1.5 कप मैदा है, 1/4 कप बारीक वाली सूजी है, इसको रवा भी कहते हैं और सेमोलिना भी कहते हैं। और इसमें डाल देते हैं हम ये 3 टेबल स्पून दही, जिसको हमने चम्मच से थोड़ा सा यूं कर लिया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देते हैं। पहले हम हल्का सा इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको वार्म वाटर से आटा लगाएंगे। ये हमारे पास हल्का गुनगुना पानी है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। हल्का सा ऑयल का हाथ लगाते हैं और उससे इसको चिकना करते हैं। अभी ये हमारे हाथ पर चिपक रहा है और बाउल पर भी, इसको इतनी देर तक चिकना करते रहेंगे कि ये हाथ पे भी चिपकना छोड़ देगा और ये बाउल पर भी। ये देखें अब ये चिपक नहीं रहा है। तो अब हम इसको यूं करके और इसको कवर करते हैं, बहुत अच्छे से हम इसको ढक कर छोड़ते हैं कम से कम 2 घंटे के लिए, फिर बनाएंगे इसके भटूरे, दिखाते हैं आपको। 250 ग्राम छोले हैं, काबली चना है, इसको हमने पूरी रात के लिए भिगो के छोड़ दिया था, अब हमने इसका पानी निकाल दिया है, ये पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके पास मार्केट का मसाला है या फिर हमारे समीनास किचन टिप्स चैनल पे जो छोले मसाला डाला हुआ है वो है, तो आप वो डाल लीजिए। नहीं है तो इस तरह से एक क्विक सा मैं मसाले बनाती हूँ, अक्सर आप ये बना लीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला जीरा और वही मैंने ये लिया है 2 टीस्पून सादा जीरा और 2 टीस्पून ही अनारदाना लिया है और 1/4 टीस्पून लिया है हींग। तो इसको इसमें डाल देते हैं और इसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे और इसमें डाल देते हैं 2 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हम पीस कर लाते हैं। बहुत ही जल्दी से पीस जाता है ये मसाला। 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ही होममेड गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 2 टीस्पून फिर से हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे, लेकिन अब की बार इसको बस हल्का सा मिक्स करना है, सिर्फ यूं बटन दबाएंगे और अभी दिखाते हैं आपको। ये देखें बस ये हमें ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि वो जो मेथी थी पहले उसका पाउडर बन गया था और ये वाली मेथी हमें इसी तरह की चाहिए थी। बहुत ही लाजवाब मसाला ये हुआ है हमारा तैयार। 4 टेबल स्पून ऑयल है जिसको हमने गरम कर लिया है, 2 तेज पत्ता है, 1/4 टीस्पून जीरा है, 1 दालचीनी का छोटा सा पीस है, ये डाल देते हैं। इसी के साथ डालते हैं 1 मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने पीस लिया है, प्याज को आप कट करके डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट प्याज को भून लिया है, यह हल्की ब्राउन सी होने लगी है, तो बस इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून की गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसको डाल के थोड़ा सा भून लेते हैं पहले। और बस इसमें अब डालते हैं हम सबसे पहले ये छोला मसाला, ये 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल स्पून पूरा भर के डालेंगे हम ये, और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये 1 टीस्पून लाल मिर्च और 2 टीस्पून धनिया और 2 पिंच हल्दी पाउडर, ये डालते हैं। इसको थोड़ा सा भूनते हैं पहले, थोड़ा सा मसाला डाल के इस तरह से भून लीजिए और ये देखें अब ये लगने लगा है। अब हम इसमें डाल देते हैं फौरन से ये 5 टमाटर मीडियम साइज़ के, थोड़े छोटे थे इसलिए हमने 5 लिए हैं। तो इसको डाल के अब हम इसको भूनते हैं बहुत अच्छे से, कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगी आपको। तो ये जो अब हमारे पास छोले हैं हम ये डाल देते हैं, तो हम ये पानी से निकाल के डालेंगे ताकि हम जो पानी डालेंगे उसका आइडिया हमें रहे। तो हम ये सब 2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, इससे ये बहुत अच्छे से और जल्दी से गलेंगे। जिस जार में हमने टमाटर पीसे थे उसमें ही हमने पानी डाल दिया है, ये 300 ml पानी, हम इसमें ये 50 ml के करीब पानी और डाल देते हैं। ये टी बैग है, 2 चम्मच चाय की पत्ती ली है और कस के बांध दिया है, इसको ढीला भी बांधना ज़रूरी है, बहुत कस के बांधना भी ज़रूरी है, नहीं तो इसमें चाय की पत्ती खुल जाएगी, उसका जायका अच्छा नहीं होगा। हमें सिर्फ चाय की पत्ती का कलर चाहिए। इसके लिड से हम इसको कवर करते हैं, इसको हम पकाते हैं 20 से 22 मिनट मीडियम फ्लेम पर, ये हमें बिल्कुल सही मिलने चाहिए। पच्चीस से 30 मिनट पकाया है हमने इसको मीडियम फ्लेम पर और स्लो फ्लेम पर। अब देखते हैं क्या हाल है, छोले बिल्कुल गले होने चाहिए, ओके ये एकदम गले छोले, यानी इस तरीके से हल्का सा आप टच
हल्का सा टच करें और ये मैश हो जाना चाहिए। ये हमारा टी बैग है, इसको हम निकाल देते हैं, इसका काम सिर्फ यहीं तक था। 1 टीस्पून पिसी हुई खटाई डाल देते हैं, 1 टीस्पून से थोड़ी कम है। ये कटी हुई मिर्च है, इसमें से ये थोड़ी सी यूं डाल देते हैं, थोड़ी सी ये गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी ज़रूर डालें इसके अंदर, और इसको क्या करते हैं हल्का सा मिक्स देते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से छोले इसमें यूं मैश कर देते हैं, बहुत ही थोड़े से। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये देखें कितने लाजवाब हो गए हैं ये। और इसको यूं हिला के देखते हैं, तो हमें ये भटूरे के साथ खाने हैं तो इतने थिक रहेंगे, एकदम से लाजवाब। तो बस छोले तैयार हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं अपनी प्लेट के अंदर। 2 घंटे के बाद ये इस तरह का मिलेगा आपको डो। ये देखें कितना लचीला और कितना बढ़िया सा, बस हमें ये ऐसा ही चाहिए था। हल्का सा ऑयल लगाते हैं हाथों पर और इसको एक बार फिर से यूं चिकना कर लेते हैं। और इसमें से हम लोइयां तोड़ लेते हैं, एक साथ तोड़ लेंगे जितनी बनाएंगे इतनी लोइयां। तो इस तरह से पेड़ा तैयार करें आप इसका, ये देखें बिल्कुल इस तरह से चिकना कर देना है। और सबसे लास्ट में क्या करना है, इसको लेके यूं और यूं कर देते हैं ताकि इसका जोड़ पक्का हो जाए। तो इस जो ये लोइयां हैं इसको हम गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे, ये सूखनी नहीं चाहिए। इसको हम बेलते हैं, हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा, और बस हम इसको बेल लेते हैं। ये देखें आप हल्का सा लंबा भी बना सकते हैं, तो मैंने ये गोल बनाया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, बस इस तरह से बेलना है। फुल फ्लेम पर ऑयल गर्म है, ये फुल फ्लेम पर ही तैयार होते हैं। तो ये भटूरा लेते हैं और इसको यूं डाल देते हैं, ऊपर की साइड ऊपर रहने देते हैं और नीचे की नीचे, हल्का सा इसको यूं करते हैं। थोड़ा एहतियात से करें आप। हर एक भटूरा फूलेगा आपको, इसको फौरन ही पलट दें आप, नहीं तो नीचे से ज्यादा सीख जाएगा। तो हर भटूरा फूलने की गारंटी है इसके अंदर। दूसरा बेल लेते हैं हम गीले कपड़े से, इस तरह से आप ढककर ही रखें। एक लोई निकाल लेते हैं और ढक के छोड़ते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। नीचे भी ये कलर आ गया होगा, इससे ज़्यादा फ्राई हम इसको नहीं करेंगे। देखें कितना लाजवाब, कितना ज़्यादा फूला हुआ भटूरा ये हमारा तैयार है, जिसको हमने बहुत इजी करके बनाया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो छोले तैयार हैं, भटूरे भी, ये देखें कितना लाजवाब भटूरा तैयार हुआ है। ये हल्का सा हमने डार्क सेका है, एक थोड़ा सा लाइट सेका है। बाद में भी आपके इसी तरह से रहेंगे एकदम फूले फूले से, जब आप बनाएंगे हमारे तरीके से। थोड़ा सा डार्क भी सेक सकते हैं या फिर थोड़ा सा लाइट सेक सकते हैं। छोले भटूरे की प्लेट बिल्कुल तैयार है आपके लिए, बहुत ही शानदार दिख रहे हैं हमारे ये छोले भटूरे। और इसकी ये पूरी ट्रे इस तरह से तैयार करें आप। तो ये भटूरे अभी भी एकदम इसी तरह से हैं, जो बहुत ही लाजवाब बहुत ही हसीन दिख रहे हैं। तो छोले भी देखें कितने लाजवाब दिख रहे हैं। तो आप ये ज़रूर बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से ज़रूर बनाएं। हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस इजी से छोले भटूरे की ट्रे को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।